तो मैं यहाँ पे सम लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कई सारे कंडीशंस हैं, मुझे ओवरऑल टोटल सेल चाहिए इन सारे कंडीशंस की। भाई पटना, सॉरी पटना नहीं है, माफ कीजिएगा, सिटी है ना, सिटी रहता हूँ, सिटी, सिटी में जो पटना है वो पटना गेट लेस देन 80 की टोटल एम आर पी, जिसकी लेस देन 80 है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। मुझे सारे सिटी का नॉर्थ एरिया का टोटल चाहिए, मुझे सारे सिटी सारे एरिया का सेल चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, ये तीनों इकट्ठा। तो यहाँ पे आप अलग अलग जो करेंगे सम, उससे अच्छा है कि यहाँ पे आप कर दीजिए डी सम फॉर्मूला। जी हाँ, डी सम। हमने इसमें डेटाबेस को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको कौन सा कॉलम का टोटल करना है, तो मुझे क्वांटिटी का टोटल करना है एंड क्राइटेरिया को सिलेक्ट के लिए जो आपका क्राइटेरिया है। लेकिन क्राइटेरिया सेलेक्ट करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका हेडिंग भी होना चाहिए, अगर हेडिंग नहीं है तो फिर ये कंसीडर नहीं करेगा। तो ये आपके सामने डी सम का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए जो फॉर्मूले हैं डी वाले, जितने फॉर्मूले डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला कहते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। जैसे डी सम है तो आपको डी सम लग गया, अब मुझे डी मैक्स लगाना है तो बाकी सारे इनपुट सब कुछ सेम रहेगा, डी सम की जगह डी मैक्स कर दीजिए, ये आपका मैक्सिमम नंबर दे देगा। ऐसे आपको डी मिन करना है तो डी मिन कर दीजिए, डी एवरेज, डी गेट, डी काउंट, डी काउंट ए, ये सारा फॉर्मूला के लगाने का एक ही तरीका है, बट रिजल्ट अलग अलग है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। अब आपको पता करना है कि डेटाबेस लिस्टिंग फॉर्मूला कितने हैं, तो आप फंक्शन वाले साइन पे क्लिक कीजिए, यहां कैटेगरी के जगह पे यहां सिलेक्ट कीजिए डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले जो एक जैसे लगते हैं, आई समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ये, हेलो, हाँ बोलिए। अभी ये जो आप रिजल्ट आया, ये पूरों के लिए है या एक मिनट आप ये थोड़ा हाइट कर सकते हैं? कौन आप? ये रिजल्ट इस कंडीशंस में है कि पटना ग्रेटर देन 80 ले लिया, नॉर्थ का ले लिया और पूरा लिया जिसकी ग्रेटर देन 50 है, सबको मिला के सम कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक। चलिए